आज मम्मी ने खाने में बनाया है, सबसे पहले तो ये है क्या आई, दही बड़े, चंदिया बोलते हैं इसको, उड़द की दाल की चंदिया है। और इधर है आलू गोभी की सब्जी, तेरे पापा की फेवरेट चीज है, ये पापा की सब फेवरेट चीजें हैं। ये है पनीर, और ये यहाँ पर है खीर। आज एकादशी है तो इसलिए चावल की खीर नहीं बनी है, यहाँ पे बनी है समा के चावल की खीर, जो कि समा के चावल और मखाने की खीर बनी है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बना है यहाँ पे, ये है मूली का सलाद, जो कि सबको ही बहुत अच्छा लगता है, शरादों को भी अच्छा लगता है और पापा को भी बहुत प्रिय था ये। और यहाँ पे आलू की कचौड़ी की तैयारी, और ये दाल वाली कचौड़ी हमारे घर में ज़्यादातर श्राद्धों में ये ज़्यादा अच्छी पसंद करते हैं सब लोग, इसको तो नॉर्मल डेज में खाना पसंद करते हैं और इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और नहीं बनता ही है, बनता तो सब कुछ है लेकिन ये उड़द का ज़्यादा, ये ज़्यादा अच्छा ज़्यादा वो होता है। और ये भी उड़द के दाल की, देखो ये होती हैं इमरती हैं, केले हैं, और ये पत्ते हैं जिसपे श्राद्ध के लिए खिलाया जाता है। और यहाँ पर पूड़ी सिक रही है अब गर्मा गर्म, अब बस पहले अभी जो पंडित जी बुलाए वो आ रहे हैं नहीं अभी खाने के लिए, अभी वैसे टाइम भी नहीं हुआ, देखो 11:15 बजते, 11:15 भी नहीं बजे, और मेरा खाना तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार कर लिया है। और उनको जितना बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बहुत सारी सब्जियाँ हों, सब्जियाँ भी उनको लिमिटेड पसंद थी, जैसे कि मतलब अच्छी हो और ज़्यादा नहीं हो, बहुत ज़्यादा भी बहुत तरह की सब्जियाँ चार मिनटी बना के रख दो, उनका यही कहना होता था कि कम बनाओ लेकिन अच्छी बनाओ। उन्हीं की पसंद की जो चीज़ें हैं ना वही बनाई है मैंने, ये सारी चीज़ें बनाई हैं, सब कुछ खीर की जगह मैंने दूसरी वाली समा के चावल की खीर बना ली है, जो कि मखाने डालकर, और मैं मेवे की भी खीर बना देती हूँ, आज समा के चावल की बनाई है क्योंकि एकादशी को चावल नहीं बनते। और अभी जो भी खाना बना रही हूँ ना, मैं सिर्फ पूजा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बाद में जब वो आ जाएंगे तो गरम गरम बनाऊँगी, अभी जितना भी ज़रूरत होगी ना, जैसे कि तुरई के पत्तों पर रखना होता है खाना, और बाकी पूजा में भोग लगाना होता है, सबसे पहले ना भोग लगाया जाता है, उसके बाद में जो पत्ते हैं उन पर सभी खाना जो जो हमारे पास बनाया होता है वो सब खाना रखा जाता है, और उसके लिए बना लूँगी, बाकी बाद में गरम गरम खाना बनाऊंगी जब पंडित जी आ जाएंगे। तो अभी ये सारी तैयारी करके रख लेते हैं, और 12 बजे जो है बिल्कुल ऊपर रख देंगे, छत पर रख के, और बाकी काम तो ये सब ना प्रांशु से करवा रही हैं मम्मी खड़े होके, कि इस तरीके से ऐसे ऐसे रखना है। तो बताओ बच्चे क्या जानते हैं ये सब करना, लेकिन देखो करना पड़ता है बच्चों को, ये सब जो जिम्मेदारी आ जाती है, और ऐसा है कि क्यों इतना जल्दी ऐसा सब करवाया, लेकिन क्या करें, भगवान की मर्जी जो होती है ना वही होता है। तो यहाँ पर मम्मी बताती जा रही हैं किस तरीके से इन पर रखना है सब खाना, और हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही होते हैं, जितने भी सबके किए जाते हैं ना तो इस तरीके से ही होते हैं, सबको बुलाया जाता है, जैसे दादी बाबा होते हैं तो उनको दो बुलाते हैं खाना खाने के लिए, बाकी किसी को भी खिला सकते हैं खाना। और यहाँ पर देखिए सभी पूजा की तैयारी जो है कर ली है, और कहीं कहीं ना जैसे कि अग्यारी होती है ना उस पे लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, हमने तो ऐसा ही देखा है मतलब हमेशा। और बाकी देखो पंडित जी का भी खाना लग चुका है, वो भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर सभी खाना लगा दिया जो जो मैंने बनाया है सब कुछ, तो अभी पंडित जी खाना खा लेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी प्रिया ने दिखाया आप लोगों को सब क्या किया था मैंने, और सब खाना पीना सब फ्री हो चुका है, सारा काम भी ख़त्म हो गया, बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, जो कि आज मंडे है तो मंडे का व्रत है, और वैसे भी मेरा और प्रिया का दोनों का व्रत है, तो मैं चाय बना ले रही हूँ।
अपने दोनों के लिए। उससे मैंने बोला, बहुत बोला, मैंने कहा तू खाना खा ले, अब टाइम भी बहुत हो चुका है, सवा बज चुका है, काम वाम ख़त्म किया। फिर पीछे एक भैया काम कर रहे हैं, उनके लिए भी खाना दे के आए, है ना। तो ये सब करने के बाद में, अब साफ सफाई करने के बाद में सब, तब जाके अब मैं खाना बना रही हूँ। वैसे भी मैं ये वाला खाना नहीं खाती हूँ, मैं अपना अलग से ही बनाती, अगर व्रत भी नहीं होता तो इस वजह से चाय बना रही हूँ। और तो चाय वगैरह पियेंगे बैठ के। और आज आप लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सच में ये काम करना ना। और जब हम, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने अपने दादी बाबा उनका श्राद्ध किया था, तो उनका मतलब अच्छा सा लगता है एक सुबह से ही ना, कि ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने सब कुछ अच्छे से बनाया, खाना पीना उनकी पसंद का ही खाना बनाया, सब कुछ जो भी उनको पसंद होता है वही खाना बनाया है मैंने सब कुछ। पंडित जी खाना खाने के लिए आए थे, तो वो अपना खा पी के अब चले गए, और बाकी मेरा सब काम भी ख़त्म हो गया है। लेकिन सभी को करना पड़ता है, जो भी मेरी जैसी बहन है उनको सबको खुद ही करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो और अभी गाय नहीं आई है, तो गाय की अभी खाना रखा हुआ है, कुत्ते को खिला दिया, कुत्ता भी आ गया था। और चलिए, मेरी चाय भी देखो उबल रही है, चाय बनाई है मैंने, अदरक वाली चाय। मेरे को चाय ज़रूर चाहिए व्रत में, चाय का मन होता है, क्योंकि सुबह सुबह से लगे लगे ये टाइम हो जाता है, तो फिर चाय के लिए मन करता है कि चाय पी लो बैठकर शांति से। और अब मैं बैठकर ही पीऊँगी आराम से थोड़ी देर के लिए। और आज तो मैंने बिल्कुल भी फ़ोन वोन नहीं लिया हाथ में, क्योंकि सुबह से ना मैं खाना पीना, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना, तो सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, कर लेती हूँ, टाइम से कर लेती हूँ, और पहले ही करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि लेट ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ खाना तो थोड़ा लेट ही खिलाते हैं। 11:30-12 बजे आए थे, 12 बजे आए थे आज वो पंडित जी जो हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जितने भी हैं ना, सबका 12 बजे खिलाया जाता है। ऐसे नहीं कि सुबह सुबह खिला दो, ऐसे नहीं होता है यहाँ पर, मतलब टाइम से ही खिलाना होता है। तो चलिए, आप लोग भी चाय पी लीजिए, और मैं चलती हूँ चाय पीने के लिए। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी।